मेरे फादर एडमिट हैं कल से यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। उनको यहाँ कल एडमिट कराया गया था 3 बजे। 3 बजे ही डॉक्टर उनको देखने आए थे, उसके बाद अभी तक कोई डॉक्टर उनको देखने नहीं आया। मेरे फादर के 60 ईयर्स हैं, उनको हार्ट पेशेंट भी है, उनको खांसी बहुत ज़्यादा है और फीवर भी है। मैं थर्मामीटर देके आया हूँ, मैं पैरासिटामोल गोल देके आया हूँ, मैं उनको कैटल देके आया हूँ, खाने का सामान देके आया हूँ कि अगर ब्रेकफास्ट ना मिले तो खा लेना प्लीज़। अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखें, क्योंकि हमें तो टेंशन है ना अपने फैमिली मेम्बर की। डॉक्टर या केजरीवाल जी थोड़ा लेंगे। कल हमारे एक पेशेंट की डेथ हो गई सुबह 7:30 बजे, 5:30 बजे बॉडी मिली हमें। फिर यहीं चक्कर लगाते रहो कि मोर्चरी में कि तो यहाँ पे तो यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से 5:30 बजे बॉडी मिली, तब उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनको भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे आईसीयू में एडमिट कराया गया था, पूरी दिल्ली में कहीं बेड ना मिलने के कारण उनको फिर यहाँ पूरी सोर्स लगाने के बाद यहाँ एडमिट हुए थे वो। पंद्रह जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 30 जून तक 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चुनौती बहुत बड़ी है।